आज लगभग पूरा देश आगजनी और प्रदर्शन कर रहा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST एक्ट में संशोधन किए जाने के बाद पूरे देश में SC ST से जुड़े विभिन्न संगठनों ने 2 अप्रैल को बंद रखा। इस दौरान जमकर हिंसा की, जिसमें आगजनी की घटनाएं सामने आई और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली चलने से 8 लोगों की मौत भी हो गई और कई लोग घायल हो गए। कई जगह पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पहले हम आपको दिखाते हैं राजस्थान में कुछ शहरों की झलक। आप देख रहे हैं राजस्थान के विभिन्न शहरों में दलित संगठनों द्वारा बंद के ऐलान के बाद रैलियां निकालकर दुकानें बंद कराई जा रही हैं। वहीं अनेकों शहरों में प्रदर्शन के दौरान आगजनी की खबरें भी आई और अनेकों जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों में आमना सामना भी हुआ। यहां तक कि कहीं पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी तो कहीं हवाई फायर भी करने पड़े। आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे प्रदेश में दलित संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST एक्ट में किए गए बदलाव के विरोध में सोमवार को भारत बंद का ऐलान किया और इस तरीके से प्रदर्शन सभी जगह देखा गया। वहीं जोधपुर में भी SC ST एक्ट कानून के बदलाव के विरोध में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार लाठी भाटा जंग देखा गया। इसी तरह धौलपुर में प्रदर्शनकारियों ने आगरा मुंबई रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमाया, वहां सुपर फास्ट ट्रेन को नहीं निकलने दिया। साथ ही बाड़मेर, दौसा, अजमेर, जैसलमेर और जोधपुर में भी हिंसक घटनाएं सामने आईं।